हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो ब्लॉग। आज का मेरा वीडियो ब्लॉग है मानविका स्वामीनारायण टेम्पल। ये टेम्पल यहाँ का बहुत बड़ा प्रसिद्ध टेम्पल है। तो हमने संडे को गए थे मुंद्रा से मानवी, तो वहाँ का ये वीडियो ब्लॉग मैंने आज बनाया। ये मंदिर बहुत बड़ा है, इसका जो बगीचा है बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है। तो मैंने आज इसका ही वीडियो ब्लॉग बना रहे हैं। तो आप मेरे वीडियो ब्लॉग के साथ रहिए, देखिए मेरा ये ब्लॉग कैसा हो रहा है और आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरे वीडियो ब्लॉग के साथ रहिए, देखिए कैसा है मेरा वीडियो ब्लॉग। तो जो ये स्वामीनारायण टेम्पल है, तो ये भगवान श्री कृष्णा और नारायण को समर्पित है। हाय सकल के स्वागत हमारे नतून भिडियो ब्लगे। आज के एक नतून भिडियो ब्लग नहीं आज के भिडियो ब्लग हलो स्वामीनारायण टेम्पल मानवी बीच। यहाँ गुजरात मानवीते एखे एस आज के बेड़ाते आज के शनि रविवार। तो आज के मंदिरे एस मंदिरटा खूब ही बड़ो, एखानकार प्रसिद्ध मंदिर। हमें फैमिली मिले एसने हजबैंड मे सबा मिले एसने। हाय बोलो। तो ये मंदिरटार सम्बन्धे हमें तो अतटा जानी ना, तो ये कि एक गुजराटी फैमिली आछे ओदेर संगे एकटु कथा बोली। हाय मम्मी जी। हाय बोलिए। तो मंदिर के ओ जो मंदिर है ना। हाँ के बोलिए। मंदिर का मांडवी का मंदिर है, दूसरा मंदिर भुज में है, तीसरा मंदिर अंजार में। अंजार में बहुत बढ़िया है। अच्छा। वो अंजार में बहुत नवा मंदिर बना है। देखने सामने भगवान का है, वो देखने लायक है। अच्छा। अभी एक वर्ष के बाद उन्होंने पाठ उत्सव होगा। अच्छा। तो सभी लोग बार 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 गांव से आएगा, पाठ बनाएगा। ये मंदिर आठवा अवतार है भगवान का, भगवान श्री कृष्ण का आठवा आठवा अवतार है। श्री कृष्ण का तीसरा दूसरा अवतार है, चौथा ये अवतार है, अच्छा अवतार है, बच्चा अवतार है, वराह ये सब अवतार है। उसके बाद वो आठवां जो अवतार है कृष्ण भगवान का, अच्छा रामानुस्वामी, रामानुस्वामी उसका गुरु है। वो माँ जी इधर बैठे हैं, मैं उसको पूछ रही हूँ कि ये मंदिर के बारे में मुझे इतना भी पता नहीं है। तो फ्रेंड्स सुनलें जे एखानकार स्वामीनारायण टेम्पल खूब ही प्रसिद्ध। एखाने शुधु जे मानवीते आछे ताई नय, एखाने भुजेओ आछे एबं कि अंजिरेओ आछे। एबं अंजिरेर मंदिरटा खूब ही बड़ो एबं खूब भालो। ओइखाने नाना रकम अनुष्ठान हय, भुजेओ नाना रकम अनुष्ठान हय। तो आमी जानी ना उनी बोललेन, आमार तो शुने खूब ही भालो लागलो। आर এই মন্দিরটি হলো ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অষ্টম অবতারেরই মন্দির। তো চলুন আমার সঙ্গে মন্দিরের ভিতরে যাই, কেমন লাগে মন্দিরের কা কেমন পরিবেশ তো দেখি। তো ইহাকা এ প্রসিদ্ধ মন্দির হ্যাঁ। ইহাকা মন্দির কা সামনে যে বাগিচা হ্যাঁ বহুত সুন্দর হ্যাঁ, বহুত দেখনে কা লায়ক হ্যাঁ। তো চলিয়ে মেরে সাথ हम जाते हैं मंदिर के अंदर। मंदिर का परिसर बहुत बड़ा है, यहाँ संत के रहने के लिए और पूजा पाठ करने के लिए बहुत बड़ा जगह है। और यहाँ का एक हॉल रूम भी है। और यहाँ मंदिर का जो परिसर है बहुत बड़ा है, उसका बगीचा भी बहुत सुंदर है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा ये मंदिर। तो देखिए मेरे साथ, मेरे ये कथकली जानी के साथ रहिए। चलते हैं मंदिर के अंदर, तो कैसा है होगा मंदिर के अंदर। चलिए। ये मंदिर का मेन सीढ़ी है, इससे ही अंदर जाते हैं। और एक दूसरा भी सीढ़ी है, तो ये तो लेकिन मंदिर का जो एरिया है बहुत साफ सफाई लग रहा है, देख के लग रहा है कि बहुत मेंटेनेंस होता है यहाँ। और मंदिर बहुत खंबा है, मंदिर के अंदर बहुत खंबा है, खंबा और मार्बल पत्थर का ही डिजाइन किया है। बहुत सुंदर है, देखने के लायक है, सफ़ेद मार्बल पत्थर का ही है। बहुत दूर से भी अच्छा लग रहा था, फिर अंदर आने के बाद तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप देखिए मेरे साथ कैसे है मंदिर, मैं दिखा रही हूँ आपको। बहुत नक्शादार है, बहुत डिजाइनदार है। तो आप देखिए बहुत सुंदर है मंदिर।
এই মন্দিরটি সাদা মার্বেল পাথরের তৈরি, অনেকগুলো গম্বুজ আছে মন্দিরে, আর মন্দিরের ভেতরে অনেকগুলো থাম আছে, থামগুলো সাদা পাথরেরই, এবং মন্দিরের ভেতরে অসংখ্য কারুকার্য আছে যা খুবই সুন্দর লাগছে দেখতে। আর কারুকার্যগুলো সত্যি দেখার মতো, নানা দেব দেবী এবং অনেক কিছু আছে। তারপরে মন্দিরের এক পাশে আছে গণেশজির, গণেশ ঠাকুরের মন্দির, আর অপর পাশে আছে হনুমানজির মন্দির। তো এটা মন্দিরেরই ভেতরে, কিন্তু খুবই দৃষ্টিনন্দন, এবং এখানকার কারুকার্যগুলো এত সুন্দর, খুবই ভালো লাগছে দেখে আমার। আপনারা দেখুন, এটা বিকেলের সময়, তো ভক্তজন এত আসেনি, তাই ফাঁকা এবং খুব শান্ত। কিন্তু ভেতরে যেহেতু পুজো হচ্ছিল, মহিলাদের যেতে অ্যালাও নেই, তো আমি যেতে পারলাম না, আমি দূর থেকে ভিডিও করছি। আর শামকা টাইম হ্যায় তো ইসলিয়ে ইহা জাদা ভক্ত নেই আয়া হ্যায়, বহুত শান্ত হ্যায় ইসকা পরিবেশ। আর আভি মন্দির কে অন্দর পূজা চল রহি, তো ইসলিয়ে মহিলা কো জানে কে অ্যালাউড নেই হ্যায়, তো হমনে ইসলিয়ে মানে নেই গয়া অন্দর, তো দূর সে মানে এই ভিডিও বানা রহি হুঁ। আর এই মন্দির কা অন্দর কা গম্বুজ হ্যায়, গম্বুজ বহুত ডিজাইন হ্যায়, বহুত কুছ হ্যায় ইধর, अच्छा लग रहा है देखने के लिए। पूजा चल रहा है तो मैं मंदिर के अंदर नहीं जा पाया, तो इसलिए भगवान का फोटो नहीं ले पाया। ये क्यों पता नहीं मुझे कि महिला को जाना अलाउड नहीं है मंदिर जब पूजा चलता है, तो इसलिए मैं बाहर से ही ये वीडियो बनाया। तो कैसा लगा फ्रेंड्स आपको ये वीडियो? ये मनवी का ये सुंदर मंदिर है, स्वामीनारायण जंबी मंदिर है। तो वीडियो कैसा लगा तो मेरे चैनल के साथ रहिए, मेरे वीडियो देखिए एंड तक, और प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मंदिर আছে, মন্দিরে এসেছি আমি, আমার হাজবেন্ড মন্দিরে এখানে দাঁড়িয়ে এই ঠাকুর প্রণাম করলাম। মন্দিরের ভেতরটা, এখানে মন্ত্র পুজো পাঠ চলছে, তো আমরা এখন এসে এখানে কিছুক্ষণ বসলাম। খুব সুন্দর জায়গা এটা, খুব ভালো লাগলো। কৃষ্ণ ভগবানের এক অবতার এই স্বামীনারায়ণ মন্দির, আমাদের খুব মজা লাগলো এখানে। তো বন্ধুরা কেমন লাগলো আমার ভিডিও? আমার ভিডিওর সঙ্গে থাকুন, শেষ পর্যন্ত দেখুন, এবং আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন, এবং আমাকে নতুন নতুন ভিডিও বানানো উৎসাহ দিন, যাতে আমি আরও নতুন ভিডিও আপনাদের সামনে নিয়ে আসতে পারি। এবং আমার চ্যানেলকে দেখুন, অনেক অনেক দেখুন, এবং আমাকে ভালোবাসুন, এবং আমার চ্যানেলকে লাইকও করুন, এবং প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন, এবং আমার চ্যানেলের সঙ্গে থাকুন। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज का मेरा वीडियो? मेरे चैनल के साथ रहिए, मेरे चैनल देखिए, एंड मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल को बहुत 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 प्यार दीजिए, और आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट के बिना कुछ नहीं होता है, तो मेरे वीडियो का को, मेरे ब्लॉग को सपोर्ट कीजिए, कि मैं मेरे चैनल को मैं आगे ले जा सकती हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट मी माई चैनल को। थैंक यू।